सब्सक्राइब कीजिए सीवी रिव्यू चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, सीवी रिव्यू चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे महिंद्रा के एलसीवी सेगमेंट के टिप्पर लोडकिंग ऑप्टिमो की। तो चलिए शुरू करते हैं। महिंद्रा ने हाल ही में अपनी एलसीवी रेंज को नया लुक दिया है। इसमें कैबिन स्पेस को बढ़ाया गया है और साथ ही फ्रंट फेसिया को मॉडर्न लुक देने की कोशिश की गई है। BS4 में महिंद्रा एलसीवी में ईजीआर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है। ओवरऑल गाड़ी की साइज बहुत ही कॉम्पैक्ट है, जो कि सकड़ी गलियों में जाने के लिए बहुत ही मददगार साबित हो सकता है। बात करें अगर फ्रंट फेस की, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा क्लियर लेंस हेडलैम्प के साथ फुल्ली मेटालिक बम्पर। एडिशनल केबिन सेफ्टी के लिए यहाँ आपको दो बम्पर दिए गए हैं। साइड प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पे आपको दिए गए हैं 750/16 के 16 टायर रेटिंग वाले टायर और एक्साइड की बैटरी दी गई है। कैबिन और लोड बॉडी के बीच आपको मिलता है ऑयल वाटर सेपरेटर और स्टीयरिंग ऑयल चेंज करने की सुविधा। बैटरी के साइड में ही यहाँ पे आपको पावर टेक ऑफ यूनिट का ऑयल चैम्बर देखने को मिल रहा है। चेसी काफ़ी मजबूत नज़र आ रही है। बैक साइड में भी 750/16 के टायर दिए गए हैं। दोस्तों बात की जाए अगर बॉडी की, तो यहाँ पे आपको मिलती है 100 क्यूबिक फिट की लोड बॉडी, जिसकी टोटल लंबाई 10 फिट 3 इंच और चौड़ाई 5 फिट 7 इंच है। सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे आपको रिवर्स पार्किंग और की सुविधा भी दी गई है। व्हीकल और लोड बॉडी के बाएं हिस्से की तरफ आपको मिलेगा फील्ड गार्ड कंपनी का एयर फिल्टर। बात करें अगर डीजल टैंक की, तो यहाँ आपको मिलता है 75 लीटर का डीजल टैंक, जो कि मेटलिक शील्ड से कवर है ताकि इसे कोई नुकसान ना हो। दोस्तों अब बात करेंगे कैबिन के इंटीरियर की, तो यहाँ पे आपको ड्यूल टोन कलर का इंटीरियर दिया गया है, जिसमें सेंटर कंसोल में आपको सारे कंट्रोल फिक्स मिलेंगे। डैशबोर्ड के लेफ्ट की तरफ आपको टूल बॉक्स दिया गया है, उसे आप एज अ ग्लव बॉक्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें, तो यहाँ पे आपको सेमी डिजिटल सेमी एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है। यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको स्पीडोमीटर दिया गया है और राइट साइड में डिजिटल फ्यूल गेज मीटर, डिजिटल टेम्परेचर मीटर, डिजिटल ऑडोमीटर एंड ड्यूअल ट्रिप मीटर देखने को मिलता है। गियर बॉक्स की बात करें, तो यहाँ पे आपको मिलता है MNT40 का 5+1 का ओवर ड्राइव गियर बॉक्स। गियर लीवर के जस्ट नीचे की तरफ आपको PTU लीवर भी दिया गया है। वहीं को पायलट की सीट के नीचे से आप इंजन को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, सीट को खोलने के लिए बहुत ही इजी मैकेनिज्म यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। स्टीयरिंग के बिल्कुल पास में आपको हैंडब्रेक लीवर दिया गया है। अब बात करेंगे सेंटर कंसोल में दिए गए बटन की। यहाँ पे आपको पहला स्विच मल्टी मोड का दिया गया है, जहाँ आपको दो ड्राइविंग मोड मिलते हैं। बड़ी गाड़ी में आपको लोड मोड में गाड़ी चलानी है, जहाँ इंजन का मैक्सिमम आउटपुट 90 हॉर्स पावर होता है। वहीं खाली गाड़ी में एम्प्टी मोड में आपको 67 हॉर्स पावर का आउटपुट मिलेगा, जिससे डीजल कंजप्शन कम होता है और गाड़ी बेहतर माइलेज दे पाती है। इसके अलावा आपको यहाँ पे एग्जॉस्ट ब्रेक, PTO एंगेजिंग स्विच और मोबाइल चार्जिंग की सुविधा भी दी गई है। बात करें अगर गाड़ी के टेक्निकल फीचर्स की, तो यहाँ पे आपको मिलता है 3.3 लीटर का CRDe BS4 इंजन, जो कि EGR बेस्ड टेक्नोलॉजी पर आधारित है। गाड़ी का ग्रॉस व्हीकल वेट 7 टन के बराबर है, जिसमें आपको 3.5 टन का पेलोड मिलता है। पावर स्टीयरिंग के साथ MNT40 का गियरबॉक्स दिया गया है और 36% की ग्रेडेबिलिटी है। गाड़ी की टोटल लंबाई 16 फिट है, जहां पर टर्निंग सर्कल टायर 11.9 मीटर का है। 20,000 किलोमीटर के ऑयल चेंज इंटरवल दिया गया है और ड्राइव लाइन पे 3 साल की वारंटी दी गई है।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। महिंद्रा लोडकिंग ऑप्टिमो के बारे में आपकी क्या राय है नीचे कमेंट कर बता सकते हैं। आगे भी हम इस तरह के बहुत से वीडियोस लेकर आने वाले हैं, उन वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।